हेलो, आज हम डॉल केक बनाएंगे। 1 किलो का डॉल केक कैसे बनाना है हम वो देखेंगे। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ पे चॉकलेट फ्लेवर का केक हम बना रहे हैं, तो व्हिपिंग क्रीम में मैं डालूँगी 2 से 3 टेबलस्पून चॉकलेट गनाश। क्रीम को पहले व्हिप कर लिया है, उसके बाद उसके अंदर मैं गनाश डाल के फिर से उसको मिक्स कर लूँगी। यहाँ पे चॉकलेट मैंने बेस रेडी करके लिया है, 6 इंच का मैं बेस यूज़ कर रही हूँ। चॉकलेट स्पॉन्ज बनाया है और सोकिंग करेंगे हम शुगर सिरप से। एजेस में हमें अच्छे से सोकिंग करनी है। क्रीम अप्लाई करेंगे वही वाला जिसमें हमने चॉकलेट गनाश ऐड किया था। सिंपल चॉकलेट केक है। सेकेंड लेयर में भी क्रीम अप्लाई कर लेंगे और एजेस में क्रीम फिल करेंगे ताकि हमारा शेप जो है वो मेंटेन रहे। तीन लेयर हमारे हो चुके हैं। इसको अभी हम क्रम कोट करेंगे, मतलब क्रीम का पहला लेयर देके इसको हम फ्रिज में रखेंगे सेट होने के लिए। केक हमारा कोट हो चुका है, इसको अभी हम फ्रिज में रखेंगे आधे घंटे के लिए सेट होने के लिए। इसको बोर्ड पे हम ट्रांसफ़र कर लेंगे। यहाँ पे डॉल भी हम 1/2 kg की बनाने वाले, तो डॉल शेप के मोल्ड में मैंने ये बेक कर लिया था। इसको हम कट करेंगे 6 लेयर में। डॉल हमेशा 6 लेयर में कट होती है। अब ज़्यादा बड़े लेयर रखोगे तो वो स्पंज ज़्यादा लगेगा, सोकिंग भी अच्छे से नहीं होगी, इसलिए हमें 6 लेयर कम से कम डॉल के लिए निकालने हैं। जिस डायरेक्शन में हम निकालेंगे वही सीक्वेंस से हमें निकालना भी है और रखना भी हमें वही सीक्वेंस से है। तो आप जो लेयर निकालोगे सीक्वेंस वाइज अच्छे से रखना, क्योंकि डॉल का शेप जो है वो पिरामिड जैसा है, तो आपका लेयर ऊपर नीचे ना हो, इसलिए हमें उसी अनुसार रखना है जैसे हमें वापस रखने वाले हैं। देखो इस तरह से मैंने रखा है, तो हमें असेंबल करते वक्त भी उसी तरह से रखने हैं वापस। छह मैंने निकाल लिए हैं लेयर। जो नीचे का था वो थोड़ा सा मुझे बड़ा लगा तो मैंने उसको अलग कर दिया। तो यहाँ पे हम डॉल पहले सेपरेट बनाएंगे, फिर उसके ऊपर हमें केक के ऊपर हमें डॉल को रखना है। डॉल का जो मोल्ड होता है वो थोड़ा खड़ा होता है, तो इसलिए सोकिंग अच्छे से नहीं हो पाती, या तो फिर साइड हमारे एजेस होते हैं वो थोड़े कड़क हो जाते हैं, तो उसमें सोकिंग हमें अच्छे से करनी है। यहाँ पे मैंने कपड़ा रख लिया है नीचे ताकि हमारा जो बोर्ड है वो हिले नहीं। जैसे हमने केक बनाया था 6 इंच का, वैसे ही हमें इसके लेयर बनाने हैं। जिस सीक्वेंस से हमने निकाल के रखे थे लेयर उसी तरह से हमें वो वापस से रखने हैं असेंबल करते वक्त। हमेशा हम नाइफ खड़ा चलाते हैं बाकी एजेस शार्प एजेस निकालने के लिए, लेकिन ये जो शेप है डॉल का ये टेढ़ा होता है, तो हमें नाइफ भी इसमें थोड़ी स्लांटिंग पकड़नी है। आप नाइफ स्लांटिंग पकड़ोगे तो केक में फिनिशिंग अच्छी आएगी। ऐसे ही हम सारे लेयर लगा लेंगे।
जैसे केक है, केक के डायरेक्शन में ही हमें नाइफ को चलाना है और बहुत सारा क्रीम नहीं लगाना है क्योंकि हमें बाद में नोज़ल की डिज़ाइन भी करनी है, सो इसलिए हम ज़्यादा क्रीम अभी नहीं लगाएंगे इसमें। लेयर में हमें अच्छे से क्रीम लगानी है लेकिन साइड में हमें क्रीम कम लगानी है। आपको देखना है कि आपका शेप जो है डॉल का वो टेढ़ा तो नहीं हो रहा, ऊपर से आपको देखना है एक पिरामिड जैसा दिखना चाहिए, हर साइड से आपको राउंड ही दिखना चाहिए। टेढ़ा रहेगा तो आपको अभी से ही उसको अच्छा कर लेना है। हर लेयर रखते वक्त आपको देखना है ध्यान से कि आपका डॉल जो है वो टेढ़ी ना हो। लास्ट वाला जो है हम पहले अंदर से सोक करेंगे और उसके बाद उसको केक पे रखेंगे, क्योंकि लास्ट वाला पोर्शन जो है वो अच्छे से सोक नहीं होता ऊपर से, इसलिए हमें इसे अंदर से सोक कर लेना है। हल्की फिनिशिंग देंगे, क्रम कोट करेंगे इसको भी हम, इसको भी हम फ्रिज में सेट करेंगे। हमारा दोनों केक फ्रिज में अच्छे से सेट हो गए थे। अभी मैं डॉल को केक के ऊपर शिफ्ट करूँगी। हमें दूसरी फिनिशिंग देने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि यहाँ पे हम डॉल के ऊपर ही डिज़ाइन बनाने वाले हैं नोज़ल की, इसलिए मैं दूसरा लेयर देने के लिए इसका फिनिशिंग नहीं करने वाली हूँ, डायरेक्टली हम नोज़ल से डिज़ाइन करेंगे। यहाँ पे अभी एक बात याद रखनी है, जो नोज़ल की डिज़ाइन हमें फ्रॉक के लिए डॉल के ऊपर करनी है या तो फिर जो नोज़ल से हमें फ्लावर बनाना है या पूरा केक कवर करना है, उसी कलर से मैं बनाने वाली हूँ उसका सेकेंड लेयर, मतलब हल्का हल्का सा, बहुत ज़्यादा क्रीम नहीं थोपना है हमें, हल्का हल्का सा मैं वो शेड नीचे दे रही हूँ ताकि हमारे नोज़ल की डिज़ाइन से वाइट कलर जो है वो हाईलाइट नहीं होना चाहिए। इसलिए मैं पर्पल कलर बनाने वाली हूँ ज़्यादा, तो मैंने थोड़ा सा पर्पल कलर वहाँ पे लगा लिया है। तो मुझे जैसी डिज़ाइन बनानी है डॉल की उस तरह से मैंने यहाँ पे डिज़ाइन के लिए मार्किंग कर ली है, दो साइड से आगे दो साइड से पीछे। मैं यहाँ पे फ्लावर डिज़ाइन बनाने वाली हूँ। बॉर्डर के लिए मैंने ग्रीन कलर यूज़ किया है, उसमें रोजेटी छोटा वाला स्टार नोज़ल मैंने यूज़ किया है क्योंकि छोटे छोटे डिज़ाइन आनी चाहिए बॉर्डर पे। यहाँ पे चार साइड से मैं बॉर्डर के ऊपर बना लूँगी। ये जो कलर मैं बनाने वाली थी फ्लावर्स नोज़ल के, इसी का मैंने बेस पे कलर दे दिया था ताकि अभी हमारा वाइट कलर जो है वो ज़्यादा हाईलाइट नहीं होगा, कहीं छूट भी जाता है गैप हमारा तो वो दिख के नहीं आएगा। आप कोई भी डिज़ाइन यूज़ कर सकते हो, कोई भी नोज़ल यूज़ सकते हो, कोई भी कलर यूज़ कर सकते हो, बस आपको जो कलर देना है फ्लावर में या फिर डिज़ाइन में उसका थोड़ा सा कलर हमें बेस पे लगाना है। इसी तरह से मैं ये डिज़ाइन पूरे केक पे कर लूँगी। ये डिज़ाइन हमारी कवर हो चुकी है। अब नीचे के डिज़ाइन के लिए मैंने बड़ा वाला स्टार नोज़ल लिया है जिससे मैं रोज़ेस बना लूँगी। आप चाहो तो यही कलर जो मैं पिंक कलर यूज़ कर रही हूँ स्टार बड़े फ्लावर बनाने के लिए, आप उसकी जगह पे नीचे पिंक कलर का बेस भी दे सकते हो, लेकिन मैंने डायरेक्टली फ्लावर बना लिए क्योंकि बाद में मुझे यहाँ पर थोड़े फ्लावर्स बनाने हैं, तो जो भी गैप दिखेगा वाइट उसके अंदर मैं फ्लावर बना दूँगी। ये कंप्लीट कर लिए मैंने फ्लावर। अभी हम यहाँ पे डॉल लगा लेंगे। डॉल को लगाने से पहले हमें अपर डिज़ाइन डॉल की जो है वो कंप्लीट करनी है। आसानी रहेगी जब हम पहले ही उसकी डिज़ाइन कंप्लीट कर लेंगे।
डॉल की ऊपर की डिज़ाइन बनाने के लिए, ऊपर का फ्रॉक बनाने के लिए हमें छोटा नोज़ल यूज़ करना है। हमेशा कोई भी डिज़ाइन लो लेकिन छोटे नोज़ल से लेनी है हमें। अगर आप बड़े वाले फ्लावर बना लोगे या बड़ा नोज़ल यूज़ करोगे तो प्रॉपर डिज़ाइन नहीं आएगी। यहाँ पे डॉल हमारी कंप्लीट हो चुकी है, इसको हम फिक्स कर देंगे। डॉल केक के लिए हमेशा हमें हाफ़ डॉल ही यूज़ करनी है। हाफ़ डॉल मतलब नीचे डॉल की सिर्फ डंडी रहेगी, ऊपर पूरी डॉल रहेगी, नीचे पूरा केक रहेगा। ऐसे ही डॉल हमें यूज़ करनी है। अगर आप पूरी डॉल यूज़ करोगे तो केक का जो शेप है वो बिगड़ जाएगा, तो पेट वाली डॉल हमें नहीं डालनी है। इस तरह से यहाँ हम फ्रॉक कंप्लीट कर लेंगे। नीचे जो अभी गैप दिख रहा है यहाँ पे मुझे थोड़े पत्ते लगाने हैं, इसलिए मैं ग्रीन कलर से ही स्टार बना लूँगी छोटे छोटे, जैसे वो पत्तों जैसा दिखेगा। मैं लीफ लोजल नहीं यूज़ करने वाली हूँ, मुझे फ्लावर ही चाहिए पूरे केक के ऊपर। ये मेरी डॉल कंप्लीट है। आपको डॉल केक कैसा लगा ज़रूर बताइएगा।